यस हेल्पलाइन 112। एक एक दो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इस सेवा का उद्देश्य आपातकाल में महिलाओं बच्चों एवं अन्य नागरिकों के जीवन की रक्षा और अपराधों की रोकथाम के लिए किया जाता है। भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है जो कि त्वरित सहायता सेवाएं जैसे पुलिस अग्निशमन एम्बुलेंस एवं अन्य सेवाओं के साथ मिलकर काम करता है। इस हेल्पलाइन की सहायता से हमारी टीमों ने अनेक अप्रिय घटनाओं का निवारण किया है, अनेक जान बचाई हैं। इसमें से एक कहानी उत्तराखंड की स्वाति राणा की है। मेरा नाम स्वाति राणा है और मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की निवासी हूँ। मैं यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ। पिछले हफ्ते मेरी मम्मी पापा और छोटा भाई परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए रानीखेत निकल गए। मेरी परीक्षा नज़दीक थी इसलिए मैंने दादी के साथ घर पर रुकने का फैसला किया। रात 9 बजे अपनी पढ़ाई पूरी की और घर के सारे लाइट्स और दरवाजे बंद करके दादी के कमरे में पानी का जग रखने गई। पानी का जग रख के मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी तभी छत पर किसी के कूदने की आवाज़ आई। किसी के छत से उतरने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैंने दादी की तरफ देखा तो दादी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दादी ने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा। तभी मुझे 112 नंबर के बारे में याद आया और मैंने जल्दी से 112 पर कॉल लगा दिया। नमस्कार, उत्तराखंड पुलिस कंट्रोल रूम से। मैं और मेरी दादी घर में अकेले हैं और घर की छत से कोई घुस आया है। आप अपनी लोकेशन बता देंगे प्लीज? हाउस नंबर 2765 गांधी नगर पिथौरागढ़। मैम आप घर पर किसी सुरक्षित स्थान पर बैठे, आपके लिए पुलिस सहायता शीघ्र भेजी जा रही है। जब भी आप डायल 112 पर कॉल करते हैं यह कॉल सीधा ERC यानी आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र में जाती है। कॉल टेकर आपसे जरूरी जानकारी प्राप्त कर तुरंत डिस्पैचर को यह जानकारी भेजती है और डिस्पैचर बिना देर किए यह जानकारी आपकी लोकेशन से सबसे नज़दीक जो प्रतिक्रिया वाहन है उसको भेजता है। आपकी सहायता के लिए कुछ ही क्षणों में आपकी लोकेशन पर वह वाहन पहुँच जाता है। आपात स्थिति में पुलिस फायर या एम्बुलेंस की सहायता प्राप्त करने के लिए आप फोन पर या लैंडलाइन से 112 डायल कर सकते हैं। 112 पर SMS भी भेज सकते हैं। पैनिक बटन, 112 इंडिया ऐप अथवा राज्य द्वारा संचालित वेबसाइट के माध्यम से भी 112 पर संपर्क किया जा सकता है। किसी भी आपात परिस्थिति में बस 112 को याद रखें। 112 एक भारत एक आपातकालीन नंबर जिस पर पूरा देश भरोसा करता है। मैं और मेरा पूरा परिवार 112 आपातकालीन सेवा के आभारी हैं। उन्होंने समय रहते ही अनहोनी रोक ली। 112 एक राष्ट्र एक आपातकालीन नंबर। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.112.gov.in पर।